नाउन नाउन के बारे में आपको बताया था और काइंड्स ऑफ नाउन मतलब टाइप्स ऑफ नाउन तो नाउन की हमने हमने कितने मतलब नाउन के कितने काइंड्स को पढ़ा था जो नाउन है वो कितने काइंड्स के होते हैं मतलब कितने टाइप्स के होते हैं फाइव टाइप्स के होते हैं कौन कौन सी कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन कलेक्टिव नाउन मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन और इनमें से बेटा फिर हमने जो एक टाइप्स ऑफ नाउन है तो इसमें से हमने सिर्फ टू टाइप्स के नाउन को ही क्या किया था डीपली हमने पढ़ा था है ना आपके जो क्लास थर्ड में टू टाइप्स के नाउन को ही डीपली पढ़ाया गया है ओके ओके इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी कॉमन एंड प्रॉपर नाउन ओनली तो हमने कॉमन नाउन में क्या पढ़ा था कि कॉमन नाउन में जो नेमिंग वर्ड्स हैं हैं वो रेफर करते एनी ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन पैलेस एनिमल्स और थिंग मतलब कि वो रेफरस करते हैं नेमिंग वर्ड्स को ठीक है नेमिंग वर्ड्स जो है इज अ नेमिंग वर्ड्स होते हैं और वो नाउन और वो रेफर करते हैं क्लास सॉरी तो रेफर्स करते हैं टू एनी मेंबर ऑफ अ क्लास क्लास ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल ऑफ थिंग ओके ठीक है और प्रॉपर नाउन में क्या था प्रॉपर नाउन में प्रॉपर नाउन जो है उसमें रेफर किया जाता है टू अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन ठीक है पर्टिकुलर मेंबर को किया जाता है उसमें सिंपल रेफर किया जाता है एनी मैंबर उसमें तो एनी मेंबर को वो किया जाता है कॉमन नाउन में क्या रेफर्स किया जाता है टू तो एनी मेंबर ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस है उसमें पर्टिकुलर मेंबर ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन पैलेस ओ एनिमल और थिंग मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में एक पर्टिकुलर एनिमल के बारे में और एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात की जाती है मतलब बताया जाता है और कॉमन नाउन में एनी मैंबर ऑफ पर्सन एनी मेंबर ऑफ प्लेसेस, एनी मेंबर ऑफ एनिमल्स एनी मेंबर ऑफ थिंग्स कुछ भी हो सकता है मतलब कोई कोई भी हो सकता है ठीक है थीके? ये हमने दोनों पढ़े थे और ये इनमें डिफरेंस था आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स टूडे वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर लेट्स आउट द प्रॉपर एंड कॉमन नाउन आपको क्या करना है और uh, को point out करना है इन करेक्ट कॉलम और उनको कहां पे लिखना है करेक्ट कॉलम में लिखना है तो देखिए यहाँ पर है हमारा है पहला सम गर्ल्स लाइक टू प्ले हॉकी जो कुछ गर्ल्स हैं वो क्या पसंद करती है हॉकी खेलना पसंद करती हैं तो हमें इसमें प्रॉपर और कॉमन नाउन को क्या करना है क्या करना है हमें प्रॉपर और कॉमन नाउन को पॉइंट आउट करना है तो इसमें जो गर्ल्स है वो कॉमन नाउन है ठीक है क्या है गर्ल्स कॉमन नाउन ठीक है टू प्ले हॉकी हॉकी को हम क्या कह सकते हैं हम प्रॉपर नाउन में रख सकते हैं हॉकी को हम यहां पर प्रॉपर नाउन में रख सकते हैं ओके ठीक है okay? अब देखिए नेक्स्ट बी ज्योत्सना इज माई नाइस फ्रेंड अब देखिए ज्योत्सना क्या हो गया ज्योत्सना पर्टिकुलर गर्ल का ना नेम है तो ये हो गई प्रॉपर नाउन और फ्रेंड एक कॉमन हो गया एनी कोई भी हो सकता है फ्रेंड तो ये हो गया कॉमन नाउन तो इसको हम प्रॉपर नाउन के कॉलम में रखेंगे और इसको हम कॉमन नाउन के कॉलम में रखेंगे ठीक है नेक्स्ट है हमारा जयपुर इज नोन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया तो देखिए जयपुर पर्टिकुलर प्लेस का नाम है इंडिया पर्टिकुलर कंट्री का नाम है तो दोनों क्या हो गए प्रॉपर नाउन हो गए जयपुर एंड इंडिया और सिटी तो कोई भी हो सकती है तो सिटी किस में आएगी कॉमन नाउन में आएगी ओके नेक्स्ट है हमारा डी न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट तो न्यूटन क्या हो गया पर्टिकुलर एक साइंटिस्ट है पर्टिकुलर कहा गया कि ग्रेट साइंटिस्ट है तो ये क्या हो गए प्रोपर नाउन हो गए और साइंटिस्ट तो कोई भी हो सकता है तो साइंटिस्ट किस में आएगा कॉमन नाउन में आ जाएगा ओके नेक्स्ट है हमारा ई e. तुलसीदास वाज अ पॉपुलर पॉइंट इन हिंदी तुलसीदास कौन थे पॉपुलर पॉइंट थे हिंदी के ठीक है तो तुलसीदास कौन हो गए एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि पॉइंट है ओके okay? तो ये हो गए प्रॉपर नाउन और पॉइंट कौन हो गए पॉइंट तो कोई भी हो सकता है है ना बहुत सारे पॉइंट हैं तो इनको हाँ इसको हम पॉइंट को कहाँ पर रखेंगे कोपर नाउन में रखेंगे ओके okay? अब आता है हमारा नेक्स्ट एफ माई फादर ड्राइव्स अ लग्जरी कार तो मेरे पापा क्या कर रहे हैं ड्राइव कर रहे हैं एक लग्जरी कार तो फादर पर्टिकुलर नेम नहीं है खाली फादर बोला है कोई भी हो सकता है कुछ मतलब फादर कोई भी हो सकते हैं ना और कार भी कोई पर्टिकुलर कार का भी कोई नेम नहीं है तो दोनों किस में आएंगी दोनों कॉमन नाउन में आएंगे ठीक है अब आता है हमारा नेक्स्ट जी द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा तो ताजमहल कहाँ सिचुएटेड है ताजमहल आगरा में सिचुएटेड है तो ताजमहल भी पर्टिकुलर नेम हो गया प्लेस का और आगरा भी पर्टिकुलर नेम है सिटी का तो दोनों कहाँ आएंगे दोनों प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे ओके okay? नेक्स्ट है हाई कोर्ट इज इन एलाहाबाद हाई कोर्ट कहाँ है एलाहाबाद में है तो हाई कोर्ट तो बहुत सारी हैं तो कहीं भी हो सकती है कोई सी भी सिटी में हो सकती है पर एलाबाद में मेनली यहाँ पर बताया तो ये एलाहाबाद तो आ जाएगा प्रॉपर नाउन और हाई कोर्ट किस में आ जाएगा कॉमन नाउन में आ जाएगा ओके नेक्स्ट आता है हमारा आई एशियन एक्सप्रेस इज अ पॉपुलर न्यूज़पेपर तो देखिए एशियन एक्सप्रेस नेम का जो न्यूज़पेपर है वो बहुत पॉपुलर है तो ये हो गया प्रॉपर नाउन और न्यूज़पेपर तो कोई भी हो सकता है एशियन भी है हमारे इसमें चलते हैं हमारा अमर उजाला हो गया दैनिक जागरण हो गए टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया है ना कितने सारे न्यूज़पेपर हैं तो ये कॉमन नाउन में आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट के बी सी इज़ अ पॉपुलर रियलिटी टेलीविज़न शो अब देखिए के बी सी क्या है एक टेलीविजन शो है जिसका नाम के बी सी है तो ये हो गया प्रोपर नाउन और टेलीविजन शो तो बहुत सारे होते हैं तो इसलिए ये कॉमन नाउन में आएगा ठीक है नेक्स्ट है और मंकी जंपिंग ऑन द ट्री तो देखिए मंकी है बहुत सारे मंकी होते हैं और ट्री भी बहुत सारे हैं कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है ट्री का तो मंकी और ट्री दोनों क्या होंगे कॉमन नाउन होंगे ओके नेक्स्ट द इंजीनियर इज वर्किंग ऑन द ओवर ब्रिज तो यहाँ पर देखिए इंजीनियर भी कोई भी हो सकता है बहुत सारे इंजीनियर होते हैं और ओवरब्रिज भी बहुत सारे हैं पर्टिकुलर तो नहीं बताया ना कौन सा ओवरब्रिज बन रहा है या कौन से इंजीनियर ने ए, कौन सा इंजीनियर वर्किंग कर रहा है वहाँ पर तो दोनों किस में जाएंगे कॉमन नाउन में जाएंगे ओके नेक्स्ट है हैरी इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो सिंसियर तो यहाँ पर हैरी क्या हो गया हैरी हो गया प्रॉपर नाउन क्योंकि पर्टिकुलर पर्सन का नाम यहाँ पर दिया गया है हैरी का ठीक है कि हैरी केवल ऑनेस्टी नहीं है ईमानदारी नहीं है बल्कि सिंसियर भी है ओके एन द अर्थ इज बिगर देन द मून अब देखिए अर्थ और मून दोनों ही क्या होंगे होंगे, ओके? अब देखिए मैंने आपको बता दिया है अब आपको भी इसी तरीके से नीचे देखो यहाँ पर मैंने इनको डिवाइड कर दिया कि कौन कौन से जो ऊपर मैंने बताए थे ना अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या था सम गल्स लाइक टू प्ले हॉकी तो देखिए यहाँ पर हॉकी छूट गया यहाँ पर आप हॉकी लिख लेना एच ओ सी के ई हॉकी ओके okay? और यहाँ पर आ गया ये प्रॉपर हो गया हॉकी हो गया क्योंकि गेम का पर्टिकुलर गेम गेम का नेम हो गया और गर्ल्स कुछ भाई गर्ल्स लड़कियां हैं लड़कियों का नेम तो नहीं है तो ये कॉमन हो गया ये कॉमन नाउन में रखा हमने गर्ल्स को और हॉकी को हमने किस में रखा प्रॉपर नाउन में ओके नेक्स्ट हमने क्या था सेंटेंस जोत्सना इज माई नाइस फ्रेंड तो जोत्सना प्रॉपर नाउन और फ्रेंड कॉमन नाउन मैंने आपको ऊपर समझाया है ठीक है सी नेक्स्ट हमारा सी क्या है सेंटेंस जयपुर इज नोन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया तो देखिए यहाँ पर जयपुर और इंडिया क्या हुए प्रॉपर नाउन हो गए और सिटी क्या हो गई कॉमन नाउन ओके नेक्स्ट न्यूटन वाज़ अ ग्रेट साइंटिस्ट तो न्यूटन क्या हो गया प्रॉपर नाउन हो गए ग्रेट साइंटिस्ट थे न्यूटन पर्टिकुलर नेम आ गया और साइंटिस्ट तो कोई भी हो सकता है तो ये कॉमन नाउन में आ गया ओके ई तुलसीदास वॉज अ पॉपुलर पॉइंट इन हिंदी पॉपुलर पॉइंट थे कौन तुलसीदास तो प्रॉपर नाउन और पॉइंट तो कोई भी हो सकता है कॉमन नाउन अब देखिए नेक्स्ट एफ माय फादर ड्राइव्स अ लग्जरी कार तो मेरे फादर जो है क्या क्या कर ड्राइव करें लग्जरी कार पर तो लग्जरी कार तो कोई भी हो सकती है नेम हो सकता है उसका अलग अलग बहुत सारी लग्जरी कार्स होती हैं फादर का नेम भी नहीं है यहाँ पर तो दोनों किस में आ गए कॉमन नाउन में आ गए ओके okay, अब देखिए नेक्स्ट जी में द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा तो देखिए ताजमहल एंड आगरा दोनों पर्टिकुलर सिटी एंड प्लेस के नेम हैं ठीक है थीके? तो इसलिए ये कहाँ पर आ गए दोनों ही प्रॉपर नाउन में आए यहाँ पर कॉमन नाउन में इसमें कुछ भी नहीं है ठीक है नेक्स्ट एच हाई कोर्ट इज़ इन इलाहाबाद अब देखिए इलाहाबाद पर्टिकुलर सिटी का नाम है शहर का नाम है तो इलाहाबाद क्या हुआ प्रॉपर नाउन हो गया हाई कोर्ट कोई भी हो सकता है कहीं कोई और किसी और सिटी के भी हाई कोर्ट के बारे में बात की जा सकती है इसलिए कॉमन नाउन में है ठीक है नेक्स्ट आई एशियन एक्सप्रेस इज़ अ पॉपुलर न्यूज़पेपर, अब देखिए एशियन एक्सप्रेस पॉपुलर न्यूज़पेपर है एशियन एक्सप्रेस पर्टिकुलर नेम है न्यूज़पेपर का तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन है एंड न्यूज़पेपर के और भी बहुत सारे नेम हो सकते हैं इसलिए ये कॉमन ने कॉमन नाउन में जाएगा ओके नेक्स्ट है जे के बी सी इज अ पॉपुलर रियलिटी टेलीविजन शो तो कौन सा है के बी सी है तो प्रॉपर जो टेलीविजन शो है उसका नाम दिया गया है के बी सी इसलिए इस प्रॉपर नाउन और टेलीविजन शो तो बहुत सारे होते हैं कोई भी हो सकता है किसी की भी बात हो सकती है तो इसलिए ये क्या है कॉमन नाउन है ओके नेक्स्ट के अ मंकी इज़ जंपिंग ऑन द ट्री अब मंकी भी बहुत सारे होते कोई भी हो सकता है किसी भी मंकी की बात हो सकती है ऑन द ट्री और ट्री भी, भी बहुत सारे होते कौन से ट्री पर मंकी जंपिंग कर रहा था ये भी नहीं पता कौन सा मंकी कर रहा था ये नहीं पता तो दोनों किस में जाएंगे कॉमन नाउन में जाएंगे और यहाँ पर प्रॉपर नाउ में कुछ नहीं है ठीक है नेक्स्ट आई द इंजीनियर इज वर्किंग ऑन द ओवर ब्रिज अब इंजीनियर है वो क्या कर रहा है ओवर ब्रिज पर वर्क कर रहा है कौन से ओवर ब्रिज पर वर्क कर रहा है नहीं पता इन, कौन सा इंजीनियर है नहीं पता तो दोनों कहा जाएंगे इंजीनियर और ब्रिज दोनों ही क्या हो जाएंगे कॉमन नाउन और यहाँ पर एल में कुछ नहीं आएगा प्रोपर नाउन में कुछ नहीं होगा ओके एम नेक्स्ट है एम हैरी इज नॉट ओनली ऑन एस्ट बट ऑल्सो सिंसियर आप देखिए यहाँ पर कौन ने हैरी नाम दिया है प्रॉपर पर्सन का नाम है और उसकी क्वालिटी बताइए तो वो क्या हो गया प्रोपर नाउन हो गया और यहाँ पर कुछ नहीं है कॉमन नाउन में इसमें कुछ नहीं है नेक्स्ट है एंड द अर्थ इज द बिगेस्ट देन द मून अर्थ क्या है बड़ी है बिगेन देन द मून से ओके तो दोनों अर्थ एंड मून दोनों ही प्रॉपर नाउन में जाएंगे और कॉमन नाउन में यहाँ में कुछ नहीं है I hope students you understood this exercise. Now you will do this exercise in your English grammar book. Page number 12. Okay, bye bye students.